ओके सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल अगेन. मैं हूँ यहाँ पे टेसरेक्ट के स्टूडियो में एंड PMIT की हम लोग जहाँ पे ऑनलाइन कास्टिंग करते हैं. आज पूरा वॉक थ्रू देने वाला हूँ बिहाइंड द सीन्स क्या चलता है एंड दिस इज अ स्टूडियो जहाँ पे हम लोग बैठते हैं. मेरे साथ यहाँ पे ओशन है और पॉटेड भी है. सो अभी चलते हैं यहाँ से पूरा PCR दिखाएंगे एंड पूरा वॉक थ्रू बेसिकली कि हम कैसे कास्ट करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं एंड क्या क्या चलता है कास्टिंग के बीच में, कैसे हम लोग रोटेशन करते हैं बिकॉज तीन कास्टर है, हाउ वी डू रोटेशन एंड ब्रेक के बीच में हम लोग क्या करते हैं, तो सारी आज के वाले व्लॉग में देखने को मिली. बट पहले चलते हैं यहाँ पे PCR में कि PCR में क्या चल रहा होता है. ओशन एंड पॉटेड वो भी रहेंगे साथ में. सो दिस इज द रूम जहाँ पे हम लोग बैठते हैं, थोड़ा कुछ आते हैं. यहाँ से आपको पूरे नीचे स्टूडियो दिखता है. ओके सो लेट्स गेट इनसाइड दिस PCR रूम. तो ये है PCR का रूम एंड यहाँ पे पूरी स्क्रीन लगी हुई, यहाँ पे पूरा बेसिकली ओवरले दिखता है एंड अलग अलग PC के यहाँ पे अलग अलग रोल है एंड यहाँ पे देखोगे ये सारे ऑब्जर्वर के PC हैं एंड दो दो के पेयर में ये रहते हैं बिकॉज ऑब्जर्वर कभी भी, जैसे यहाँ पे 6 मॉनिटर्स हैं, 6 PC हैं एंड सबके अलग अलग रोल है. जैसे ये वाले दो PC रहेंगे पोचिंग के वाले एरिया में, एक लेगा यहाँ पे ड्रोन शॉट ऊपर का ओवरव्यू एंड दूसरा वाला जो होगा वो दिखाएगा यहाँ पे क्लोज रेंज अगर कोई एनकाउंटर हो रहा होगा तो वहाँ पे स्विच होते रहते. जैसे वाला पोचिंग के में रहेगा, ये वाला रहेगा तुम्हारा नोवा रिपनोय में, अगर ये वाला होगा जॉर्ज पोल कंटेनर के साइड पे. सो अलग अलग लोकेशन में जहाँ पे फाइट होने की प्रोबेबिलिटी रहती है वो अलग अलग जगह पे सारे PCs रहते हैं. सो आपको जो दिखता है कि एक स्क्रीन बट पीछे 6 अलग अलग PC काम कर रहे होते हैं कि ताकि आपको एक बेस्ट ओवरव्यू मिले एंड यहाँ पे पीछे टेस्ट्रेक्ट के सारे मेंबर्स यहाँ पे दे आर वर्किंग फॉर द राउंड 2 ऑफ वाइल्ड कार्ड्स ग्रुप ए. ओके सो इस वाली साइड पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये वाला जो मॉनिटर है ये पूरा स्टैटिस्टिक पूरी कैलकुलेशन वगैरह करता है, जो भी स्टार्ट्स वगैरह रहते हैं मैच के एंड में यहीं से पूरा पुल आउट होके दूसरे PCs में जाता है एंड ये वाला PC जो भी स्विचिंग वगैरह होती है, कोई भी जैसे एनिमेशन अभी चल रही है यहाँ पे आपको जो स्क्रीन पे दिखते हैं वो एनिमेशन स्विचिंग वगैरह सारी यहाँ से होती है एंड दिस इज़ द कॉम माइक जिसके थ्रू हमारे से कम्युनिकेट करा जाता है. सो जो भी कॉम पर्सन रहता है यहाँ से वहाँ अपने स्टूडियो तक सारी आवाज़ आती है, बीच में जो भी क्यूज़ वगैरह देने होते हैं एंड ये जो पूरा ग्राफिकल इंटरफेस जो भी बनाता है, जो भी थंबनेल वगैरह वो इस वाले PC में बनते हैं. ये PC नहीं, अच्छा पीछे वाला. हाँ, अच्छा ओके सो ये वाला जो मॉनिटर है ये पूरी जो पीछे की जो स्क्रीन है वो जो PUBG मोबाइल पीछे की जो एनिमेशन चल रही है वो सारी की सारी स्क्रीन. जैसे बीच में अगर कोई स्क्वाड की हम बात करें तो पीछे पूरा उसका इंटरफेस दिखता है, पूरा लोगो एनिमेशन वगैरह सारी चीज़ें एंड सैयद भाई हमारे साथ यहाँ पे कॉम माइक में रहते हैं एंड बाकी सारे मेंबर्स यहाँ पे दे वर्किंग. अभी तो चलो ठीक है, ऑब्जर्वर्स अभी आए नहीं है, अभी टाइम लगेगा. सो यहाँ पे देख सकते हो सारी स्क्रीन आप लोगों को बिहाइंड द सीन्स कैसे काम करती हैं. ये भी मॉनिटर मेरे ख्याल से कुछ काम करता होगा एंड ये सारे छोटे मोटे से स्क्रीन आपको दिख रहे हैं जो फिल की M1 M2 ANL Cam 2 Cam 1. सो अलग अलग कैमराज यहाँ पे रहते हैं. अगर मैं नीचे जाके दिखाऊंगा कि कौन सा कैमरा कैसे वर्क करता है बिकॉज डेस्क पे भी दो अलग अलग कैमराज रहते हैं. सो उसको ऑपरेट करना सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं. ओके सो ये था अपना प्रोडक्शन रूम, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम इसे बोलते हैं PCR एंड ऐसा कंटेंट मेरे ख्याल से तो अभी तक आया नहीं है बट ऐसे बहुत सारे कंटेंट आने वाले हैं. सो दिस इज व्हाट ऑल विल यू गेट इन दिस काइंड ऑफ व्लॉग एंड मैं पॉटेड एंड ओशन यहाँ पे वेट कर रहे हैं अपने खाना खाने का बिकॉज अभी बज रहे हैं 3:06 एंड हमारी कास्टिंग शुरू होगी 4:15 के आसपास, पहला मैच स्टार्ट हो जाता है. सो उसके पहले हम लोग खाना खाते हैं, उसके बाद हमें थोड़ी बहुत ब्रीफिंग मिलती है हर दिन के पहले कि कल लास्ट दिन हमने
हमारा क्या हुआ था एंड उसमें कुछ अगर हम लोग प्लस माइनस कर सकते हैं एंड उसके बाद हमें कुछ शीट वगैरह मिलता है जहाँ पे आज कौन सी टीम्स खेलने वाली है वो मैं दिखाऊंगा बाद में जब हम जाएंगे नीचे. सो ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है पूरा स्टूडियो. ओके सो अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए एंड लंच में हम लोग थोड़ा सा लाइट ही खाते हैं, थोड़ा सब्वे वगैरह खाने वाले हैं एंड दिस इज द डाइनिंग टेबल दैट वी हैव गॉट ओवर हियर विद अ नाइस व्यू अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे आए स्टूडियो में एंड स्टूडियो के साथ साथ वी गॉट द पेपर. यहाँ पे इसमें इन्फॉर्मेशन रहती है आज का पूरा शेड्यूल कैसे जाएगा एंड कौन कौन सी टीम्स आज खेलने वाली है वो सब चीज़ें प्लस उसी के साथ साथ ये सारा कैमरा प्लेसमेंट यहाँ पे आप देख सकते हो. दिस इज हाउ दिस सेटअप ओवर हियर. ओके सो पहले हम लोग वहाँ पे बैठे थे ऊपर, यू कैन सी दैट सिटिंग एरिया ओवर देयर एंड जो भी कास्टर खाली बैठता है वो इन सोफा पे बैठता है जस्ट टू रेस्ट एंड थोड़ा वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे जगह है इफ यू वांट टू गो आउट एंड सिट ओवर देयर आल्सो. एंड ये रहा यहाँ पे एनालिसिस डेस्क, इसको मैं डेस्क तो नहीं बोलूँगा, एनालिसिस करने के लिए यहाँ पे जो एरिया है बेसिकली वो मैं थोड़ा सा इनफॉर्मल ही रहूँगा इस वाली वीडियो में एंड उसके लिए एक छोटा सा कैमरा है इफ़ यू कैन सी ओवर देयर. ये है एनालिसिस का कैमरा एंड पीछे देखो वहाँ पे LEDs वगैरह जलती है. दिस इज़ द नॉर्मल एनिमेशन, जब इरांगल मैप आता है तो इरांगल की एनिमेशन आती है, अगर सेनहॉक आता है तो सेनहॉक की आती है, मतलब डिपेंड अपॉन द मैप कौन सा मैप है. ओके सो तो एज अ कास्टर हम लोगों को सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि कौन सी स्क्वाड के कौन कौन से प्लेयर हैं एंड क्या प्रोनंसिएशन होनी चाहिए. सो एज अ कास्टर वी वॉन्ट ऑल ऑफ दीज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बैक एंड साइड एंड ये चीज़ होनी बहुत जरूरी बिकॉज कास्टिंग के टाइम पर अगर आपको टीम नेम्स नहीं पता है, टीम में कौन कौन से मेंबर्स है वो नहीं पता है, तो वो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल टाइप हो जाता है. तो सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए एज अ कास्टर एंड पीछे चल रहा अपना ड्रायर एंड आज स्टार्ट शायद पॉटेड एंड ओशन करने वाले. सो मैं थोड़ा सा करूँगा रेस्ट फर्स्ट मैच में एंड शायद मैं फर्स्ट मैच में आपको बताऊँगा कि ऊपर कैसे कैसे क्यूज देते हैं एंड कैसे यहाँ पे कास्टर को सुनाई देती है. कॉम माइक में दिखाऊंगा एंड कितना रिस्की रहते हैं वो सारी जो जंप कट्स रहते हैं आपको इतना स्मूथ वे में दिखते हैं बट एज अ कास्टर एज अ कॉम माइक जो ऊपर बैठता है पर्सन उनके लिए आसान नहीं होता. जो एनिमेशन जो वहाँ पे शिफ्ट करते हैं वो लोग पूरा रोल ऑन करते हैं, वो पूरा बैक एंड प्रोसेस दिखाते हैं कैसे ऑब्जर्वर्स वर्क करते हैं बिकॉज अभी सारे ऑब्जर्वर्स भी आ चुके हैं एंड अब ओशन देखो यहाँ पे उसकी हो चुके हैं यहाँ पे कास्टिंग स्टार्ट एंड अलोंग विद पॉटेड. ओके सो तो यहाँ पे कैमरास दिखाता हूँ ये वाले कितने बड़े कैमरे, मेरे को नहीं पता इस कैमरा को बोलते क्या. एक ऐसा कैमरा, मैं MKBHD का चैनल देखता हूँ सो एक रेड ड्रैगन नाम का भी एक ऐसा कैमरा था बट ये रेड ड्रैगन नहीं है फॉर श्योर, उसी की शेप का तो मेरे को उस कैमरा की याद आ गई. सो ये वाला जो कैमरा है थोड़ा सा काइंड ऑफ जूम्ड इन रहता है ताकि हम कास्टर्स के ऊपर फोकस रहे एंड अगर कोई पीछे इन्फॉर्मेशन पीछे LED में इन्फॉर्मेशन दिखानी है वहाँ पे तो ये वाला जूम्ड आउट व्यू रहता है, यू कैन सी दैट. ओके सो अभी मैं क्लोज से दिखाता हूँ कि हमारे डेस्क दिखता कैसा है. सो दो LED स्क्रीन यहाँ पे है पीछे एंड माइक्रोफोन है, बाकी पीछे थोड़े बहुत एसेसरीज रखी होती है इफ़ यू वांट टू यूज़ दीज पैन और हेलमेट Level 3 हेलमेट ओवर देयर एंड साथ ही साथ यहाँ पे ये पेपर्स रखे पड़े होते हैं जस्ट इन केस इफ़ यू वांटेड एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन वाइल कास्टिंग. एंड ये रही LED स्क्रीन जहाँ पे हमारा मैप भी चलता है, हमारे गेम प्लेस दिखते हैं हमें एंड बाकी और कुछ नहीं रहता, बाकी बस सिटिंग रहती है एंड नीचे कुछ केबल्स जिसका हमें कोई काम नहीं रहता. सो दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग. यहाँ पे लिट रहता है पूरी लाइटिंग, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक लैम्प है, ऊपर से भी लाइटिंग है, यू कैन सी सामने राइट हैंड साइड पे एक लाइट है, ये तो लेफ्ट फ्लोर की लाइट मैंने आपको दिखा दी. एक वहाँ पे एनालिस्ट डेस्क के लिए भी वहाँ पे एक लाइट है एंड एनालिसिस डेस्क के लिए सामने एक और स्क्रीन रहती है बिकॉज हमें पीछे ना देखना पड़े बिकॉज कैमरा इज इन फ्रंट ऑफ अस एंड इट मेक्स इजी फॉर अस. बॉस, योर बॉस वर्किंग, योर बॉस, यू आर माई बॉस. ओके सो वैसे तो हम लोगों को सामने से देखते हो उस वाले कैमरे से बट इस वाले एंगल से भी देखोगी, वी ऑल्सो लुक गुड फ्रॉम दिस एंगल ऑल्सो. ऐसे नहीं कि उस वाले एंगल से ही हम अच्छे देखते हैं बट दिस इज ऑल्सो अ एंगल. मैच हो चुका है स्टार्ट, हमारा काइंड ऑफ स्ट्रीम स्टार्ट हो चुकी है हमारी बट प्लेयर्स आ रहे हैं लॉबी में, एज यू कैन सी ओवर देयर इस बड़ी स्क्रीन पे, दिस इज द स्क्रीन ऑफ लॉबी एंड कास्टर्स अपने रेडी हैं उधर एंड वो वाली स्क्रीन पे लॉबी दिख रही है. बहुत सारे डिफरेंट स्क्रीन्स ओवर देयर, यू कैन सी दोज एम्यूलेटर्स जो ऑब्जर्वर्स की स्क्रीन है एंड सारे ऑब्जर्वर्स भी यहाँ पे रेडी है, देयर यू कैन सी ही इज गिविंग द कॉल्स ओवर देयर. Recheck, check, and go. कोई भी नहीं आ रहा.
सो ये कॉम माइक है जहाँ से हमें एज अ कास्टर वो ये हेडफोन्स में हमारे पास आवाज़ आती है, जहाँ पे कॉल रहता है कि अभी एड ब्रेक देनी है, अभी शेड्यूल्स आना है, अभी स्कोर बोर्ड आना है, ओवरऑल स्टैंडिंग सारे कॉम माइक यहाँ से आते हैं. सो बेसिकली हमें स्टूडियो से कुछ भी कम्युनिकेशन करना होता है तो ये माइक रहता है, एंड दिस इज द मैन हु इज हैंडलिंग बिटवीन कास्टर एंड द स्टूडियो. सो ऑब्जर्वर्स यहाँ पे अलग अलग फाइट देख रहे हैं, कौन सी स्क्वाड कहाँ पे गिरी है, जैसे जॉर्ज पोल कंटेनर्स की साइड पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये मैप व्यू देख रहे हैं, एंड फार्म की साइड पे टीएक्स का स्क्वाड कहाँ पे गिरा है ये देखो, फिर से ऊपर से एक ड्रोन शॉट जिसमें मैं बोलता हूँ पर्सनली, एंड टीएक्स स्क्वाड दिख रहा है वहाँ पे, एंड ये है अपना यसनाया पुलियाना का व्यू जहाँ पे नंबर 3 स्क्वाड है, टीएच का स्क्वाड है, एंड अल्टिमा का स्क्वाड है नंबर 8, एंड ये भी जॉर्ज पोल कंटेनर्स की साइड पर है, बट ये ड्रोन शॉट लाइक ऊपर से एक व्यू ले रहे हैं. यहाँ पे ये है स्कूल अपार्टमेंट्स के साइड पे एफपीएस का स्क्वाड गिरा है, स्कूल अपार्टमेंट्स उनके आसपास कोई फाइट नहीं है, बट स्टिल ये व्यू यहाँ पे ये ऑब्जर्वर कैप्चर कर रहे हैं. फ्रॉम हियर यहाँ पे हमारे कास्टर्स नीचे देख सकते हो, मैच के बीच में वो सामने बैठते हैं, अगर खड़े होना हो तो खड़े हो सकते हैं, बिकॉज उस टाइम पे हमारे पास कैमरा नहीं रहता तो वी कैन डू एनीथिंग, जो भी कंफर्टेबल पोजीशन रहती है कास्ट करने के लिए वो कर सकते हैं. यू कैन सी ओशन वहाँ पे डांस कर रहा है, जो भी चेयर में मूव कर रहा है वो हम जब कैमरा ऑन रहता है, जब हमारे पास कॉम माइक से आवाज़ आती है कि हमारा कैमरा ऑन है तब वी कैन नॉट डू ऑल. ओके सो वो था अपना पीसीआर का पूरा ओवरव्यू, एंड फिर वही धीरे धीरे कॉल देते रहते हैं एंड सारी चीज़ें स्मूथली वर्क करती हैं, बट स्टिल जो भी आप लोग सोचते हो घर पर बैठ के कि हाँ भाई पीसी लगा दिया, इन्वर्टर लगा दिया एंड उसको कास्ट करते हैं, दिस इज़ नॉट दैट मच सिंपल, बिकॉज पूरा प्रोडक्शन बैठता है एंड सबकी मेहनत लगती है. एंड जो आप बोलते हो वाईफाई का सीन है कि सिर्फ एक वाईफाई के पूरा ऊपर पूरा लैंड इवेंट चलता है, पूरा ऑनलाइन क्वालिफायर चलता है, भाई दैट इज जस्ट अमित वो चीज़ भूल जाओ, बिकॉज प्रोफेशनल वे में सारी चीज़ें होती हैं, चाहे वो कोई भी प्रोडक्शन हो, दिस इज द टेसराट एंड ऐसे बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज जो काम कर रहे हैं गेमिंग में लैंड इवेंट के लिए, एंड जो भी ऑनलाइन क्वालिफायर्स भी होते हैं तो भी ईच एंड एवरी वन इज डूइंग देयर बेस्ट. सो ऐसा कभी मत सोचो कि जस्ट फॉर सेक दे आर डूइंग इट. ओके सो मैं आ गया हूँ अभी नीचे वापस, वेट करूँगा अपने टर्न का, बिकॉज सेकेंड मैच शायद मैं करने वाला हूँ, उसके स्टार्ट होने तक मैं यहीं पे बैठूँगा, रेस्ट करूँगा, देखूँगा इस वाले मैच में क्या चल रहा है, बिकॉज शायद एनालिसिस मेरे को करनी है इस वाले मैच की, एंड उसके लिए मैच देखना भी ज़रूरी है. सो देखते हैं कैसा चलता है वाला मैच. सो दैट इज एक अच्छा खासा इस बंदे ने डिस्टेंस कवर करा था, जहाँ पे वो लोग उतरे थे वहाँ पे जोन नहीं बना था, बट 4000 अपने सारे सारे जो कैजुअली बंदे से बचाए हैं उसके बाद वो चाहिए उस एरिया पर ना रहे जहाँ पर ओके बाय. ओके सो गाइज आज का दिन हो चुका है रैप अप, एंड ग्रुप बी के वाइल्ड कार्ड्स हो चुके हैं खत्म, एंड वी जस्ट हैड अवर चैट विद अवर डायरेक्टर ऑल्सो. सो डे हो चुका है खत्म, सारी लाइट्स हो चुकी है डिम. इस वीडियो को करते हैं फिर से, जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा एडिट करनी है इस वाली वीडियो को, अभी यहाँ पे लाइट नहीं है ज़्यादा, तो मिलते हैं होटल में. ओके सो गाइज अभी अभी जस्ट हम लोग होटल रूम पहुँचे हैं, पॉट अपने रूम में, ओशन अपने रूम में, एंड अभी करते हैं इस वाले व्लॉग को एंड, एंड आई होप आप लोगों को ये बिहाइंड द सीन्स एंड कैसे हम लोग कास्टर्स प्रिपेयर करते हैं अपने कास्टिंग के लिए, एंड दिस इज नॉट द सेम जैसा आप लोग सोचते कि बस बैठ के बोलना होता है, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं इसमें, एंड पूरा प्रोडक्शन रूम पूरा पीसीआर दिखाया आप लोगों को आज टेसराइट का कि कैसे वर्क करता है, एंड आई होप ऐसी चीज़ें आप लोगों को बहुत सारी देखने को मिलेगी गेमिंग के रिलेटेड. इफ यू हैव इट सब्सक्राइब टू द चैनल, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एज ऑलवेज बाय, टेक केयर, पीस आउट.